अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इत्तेजाज अहसन। आप देख रहे हैं मेरा चैनल एसनोलॉजी फॉर टेक। उम्मीद करता हूं आप सब खैर खैरियत से होंगे। आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूं। तो यार, कल वाले गिव अवे वाली वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा भाई मुझसे नाराज़ थे और मुझे कमेंट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे इंस्टाग्राम के अंदर कि एहसन भाई आपने हमारा नाम नहीं निकाला। तो यार देखो, अभी वही बात आई थी, PC एक था, आप सब भाई इतने ज़्यादा थे। फिर उसके बाद मैंने कहा कि 5 हेडफोन गिव अवे कर देता हूँ। 5 हेडफोन हम लोगों ने गिव अवे किए हैं। लेकिन देखो, जहाँ से मैं कमेंट पिक करता हूँ ना, वो कमेंट पिकर आप गूगल में जाके चेक कर लो, वहाँ से कमेंट पिक करता हूँ। तो जिसका नाम रैंडम आता है वो करता हूँ। ऐसे तो मैं अगर करना चाहूँ तो अपने फिर 1000 बंदे हैं जो शॉप पे कस्टमर्स भी आते हैं, वो भी हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि यार, कमेंट पिकर के थ्रू होगा तो ना मेरा नाम होगा कि यार मैंने बंदे का नाम। अब वो कहते हैं आपने हमारा नाम क्यों नहीं निकाला, तो यार कमेंट पिकर के ज़रिए हो जाता है, तो मुझे नाम निकालने की ज़रूरत नहीं है। देखो रैंडम है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम आप जीत जाओ, इसलिए परेशान ही ना लो। होता है कि चलो बंदा फिर नेक्स्ट हम कोई अच्छा सा गिव अवे करेंगे, आप उसमें पार्टिसिपेट करना, अल्लाह करेगा कि आप उस टाइम जीत जाओगे। तो यार आज जिस कार्ड का हम रिव्यू करने वाले हैं वो है 1060। ये 6 GB वाला कार्ड है और आज हम इसको पूरा प्रेशराइज करके चेक करेंगे कि इस कार्ड की परफॉर्मेंस कैसी है। क्योंकि आपको पता है हम लोग कार्ड का भी रिव्यू करते हैं, तो चेक करेंगे गेमिंग के अंदर ये कार्ड कैसा है। मैंने PC वगैरह यहाँ पर सारा तैयार कर लिया है और सारी चीज़ें यहाँ पर रख दी हैं। अब मैं जल्दी से ऑन कर लेता हूँ PC को और स्क्रीन पे जाके मिलता हूँ, क्योंकि गेम्स हमने ज़्यादा चेक करनी होती है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फाइनली यार हमारा PC ऑन हो गया है। आज कीबोर्ड की जगह आपके भाई ने ना ये जॉयस्टिक लगा लिया है। और सबसे पहले अगर हम चलते हैं जनरेशन की तरफ, तो ये i7 6th जनरेशन है। 3.40 GHz का प्रोसेसर है, DDR4 की 8 GB रैम लगाई है। ये सिर्फ कार्ड चेक करने के लिए है कि कार्ड की परफॉर्मेंस, क्योंकि मुझे याद है कि मैंने i5 4 में शायद इस कार्ड को चेक किया था और वहां पर ही बॉटल नेक कर रहा था। और यहां पर आप चेक कर लो, जो कार्ड लगवाया है वो NVIDIA GeForce GTX 1060 है और ये यहाँ पर लिखा हुआ है 6 GB वाला वेरियंट है। अब चलते हैं हम अपनी गेम्स की तरफ, क्योंकि गेम्स को हमने टेस्ट करना होता है। तो सबसे पहले मैं ऑन कर लेता हूँ GTA 5 को, गेम ऑन हो जाए फिर हम उसको फुल हाई और लो ग्राफिक्स पर चेक कर लेते हैं। तो यार गेम जो है ना वो हमारी ऑन हो गई है। और अगर इससे पहले मैं चल के ग्राफिक्स में चेक कर लूं, और मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगती है कि सारा इससे सेट हो जाता है। अच्छा, 1920x1080 है, FXA ऑन है, ऑन ऑन ऑन, और बाकी नीचे आप चेक कर लो वेरी हाई है। अब हम इसी के ऊपर चेक करते हैं, ये क्या कर दिया मैंने, ठीक है ना। ओहो, ये क्या कर दिया। ओके, अब बैक कैसे करेंगे हम इसको, बैक। ओके, तो आप लोग चेक कर लो फुल हाई ग्राफिक्स के ऊपर, ये 59 FPS दे रहा है, यानी कि 60 FPS दे रहा है। और ओए हो, और भाई मैं आपको ये बता रहा था कि जो वाइब्रेशन करता है ना ये वाला, कौन मेरा Xbox वाला कंट्रोलर, बहुत लेवल की करता है। चल उठो तेरे में माथे पे गुल, वो देखो फड़क के गिरा था। खैर 60 FPS पूरे आ रहे हैं और इस कार्ड के ऊपर, तो यार ये अच्छी बात है। अच्छा, मेरे जेहन में आया कि मैं इसको बंद कैसे करूंगा, मुझे कीबोर्ड तो लाजमी लगाना पड़ेगा। तो गेम आप लोग के सामने है, गेम अच्छी चल रही है, इसको मैं कर लेता हूँ बंद। अब चलते हैं भाई अपनी नेक्स्ट गेम की तरफ, जो कि है डेज गॉन। मैं डेज गॉन को ऑन कर ले तो गेम ऑन हो जाए, फिर आप लोग को चेक करवाता हूँ। तो यार मैं ग्राफिक्स बढ़ा रहा हूँ और व्यू सिंक को ऑन कर लेता हूँ। 1680x1050 है, अनलिमिटेड FPS मैंने कर दिया है। और इसको मैं स्क्रीन को फुल स्क्रीन कर लेता हूँ और अप्लाई कर देते हैं जी, हम कंफर्म। अब आप चेक कर लो ये ग्राफिक्स हैं सारे इसके ऊपर, अब गेम को चेक करते हैं जी। ओ हो यार, आज कोई गेम मुझे स्मूथ देखने के लिए मिली है। ओए यार, ये पता नहीं एकदम बहुत ज्यादा फिर जाता है, क्या कर रहा है ये। चलाओ कोई बाइक, पता यार बहुत हैवी गेम चल रही है यार, मैं आपको बता नहीं सकता। और तकरीबन 60 FPS तक जा रहे हैं, गेम थोड़ी बहुत ये लैग करती है, ये मुझे पता नहीं क्यों करती है। ओए चला, हम यहां से नीचे चले जाते हैं, छोड़ उसको, आगे से पकड़ते हैं उसको, इधर ही आना है उसने।
इधर आएगा वो। अच्छा वो जा रहा है सामने। तो यार गेम आप लोग के सामने है, अब कुछ बेहतर गेम चल रही है। अगर मैंने ग्राफिक्स को थोड़ा हाई किया है, इसको मैं कर लेता हूँ बंद। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट गेम की तरफ, जो कि डाइंग लाइट 2। मैं चेक करना चाहता हूँ कि इसके ऊपर डाइंग लाइट 2 कैसे चलती है, क्योंकि मैंने आगे खेलनी है। तो गेम ऑन हो जाए फिर मैं आप लोग को चेक करवाता हूँ। तो यार गेम हमारी ऑन हो गई है, लेकिन हम गेम ऑन होने से पहले अपने ग्राफिक्स सारे चेक करेंगे, ताकि पता चले किस ग्राफिक्स के ऊपर गेम जो है वो वर्क कर रही है। और हम वीडियो वाले ऑप्शन को खोलते हैं। कलर ग्रेडिंग को नॉर्मल पे है, 1920x1080 है, व्यू सिंक ऑन है। चलो जी अब हम चेक कर लेते हैं इसको। और भाई मजा आया है। चल 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 तू भाग। और एक भाई ने मुझे बताया कि ऐसन भाई आप थोड़ी बहुत ये लैग करती गेम, पता नहीं क्या मसला है इसको। जंप इससे करता है, जंप ही नहीं की उसने। जंप है आर भी। अच्छा ये जंप। अच्छा वो भाई कह रहे थे जिधर से आप भाग के चढ़ते हो उधर से ऊपर जाना है। अब हम लोग चेक करेंगे। अच्छा नहीं 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 ऊपर चढ़। अरे यार लंबे रास्ते से जाना पड़ेगा मुझे। ओके आगे आगे से लंबा रास्ता आता है। अच्छा जो ऊपर बंदा खड़ा होता है ना, वो एक भाई कह रहे थे आपको वहां से ऊपर चढ़ना पड़ेगा। वही यार इधर से तो चढ़ जा। हेलो अब वापस चलने जरा, क्योंकि आज चेक करना है कहां से ऊपर चढ़ता है, हमेशा इधर ही फंसा रहता हूँ। यहां से गेम आपको दिखाता हूँ। तेज ओए चीजे। Yes. अच्छा यहां से उन्होंने कहा था शायद इधर चढ़ना है आपने, और इधर से भाग के सामने जंप करनी है। अब मैं फंसा हूं। ओ तेरी, और कब से मैं फंसा हुआ था। ठीक है जी प्रभाव चल लगे। ओके और गेम काइंड ऑफ डिसेंट। अगर मैं इसके ग्राफिक्स वगैरह को लो करता हूँ तो फिर तो ज्यादा FPS वगैरह आ जाएंगे। अभी के FPS जो हैं वो आपके सामने आप चेक कर लो। अगर आप ये गेम उस पर खेलना चाह रहे हो तो अच्छी खेल सकते हो, नॉर्मल नहीं खेल सकते। ओके तो गेम आपके सामने है। अब गेम का मुझे पता चल गया तो ये गेम काफी लंबी हो जाएगी अगर मैंने इसको खेलना शुरू किया। इसको मैं कर देता हूँ बंद। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट गेम की तरफ, जो कि है फोर्जा होरिजन 5। मैं फोर्जा होरिजन 5 को ऑन कर ले तो गेम ऑन हो जाए, फिर आप लोगों को चेक करवाता हूँ। तो यार गेम जो है वो हमारी ऑन हो गई है। अब हम इसको उतार लेते हैं जहाज से और फिर हम लोग चेक करते हैं क्या सीन निकल के आता है। वैसे तो अभी FPS बहुत बहुत अच्छे जिसे कहते हैं वो आ रहा है। मतलब इस कार्ड को देख के लगता है कि यार अपने गेमिंग चैनल के लिए ना मैं ये वाला कार्ड जो है वो रख लूं अपने लिए। बाकी अभी हम चेक करते हैं थोड़ी सी गाड़ी चला के। ओए हो 60-70 प्लस FPS आ रहे हैं ब्रो, और गेम जो है वो काफी स्मूथ चल रही है। जबरदस्त यार, बहुत लेवल की गेम चल रही है। जबरदस्त हो गए यार, 80 प्लस FPS हो गए, 90 तक जा रहे हैं। हाँ ना तो ए 90 प्लस FPS है और गेम काफी ज्यादा स्मूथ चल रही है। और इसने एक मिनट लगाया इस PC के ऊपर ऑन होने में, यानी कि इस कार्ड के ऊपर। खैर इसको मैं कर लेता हूँ बंद। अब चलते हैं भाई हम अपनी किसी और अच्छी गेम की तरफ, और वो है RDR2। मैं RDR2 को भी ऑन कर ले तो गेम ऑन हो जाए, फिर आप लोगों को चेक करवाता हूँ। गेम हमारी ऑन हो गई है और आप चेक कर लो कि ये वल्कन के ऊपर है और 40 FPS आ रहे हैं और गेम जो है वो अच्छा। FPS 30 से ऊपर हो जाए ना तो ठीक ही मुझे लगते, मुझे ऐसा फील होता है कि FPS ठीक है। ग्राफिक्स भी इसके फुल हाई रखे हुए हैं मैंने, और आप चेक कर लो कि घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता हमारा तेज हो रहा है।
और 43 FPS जो है, मतलब 40+ FPS आ रहे वो भी विल्कन के ऊपर। अगर डायरेक्ट एक्स करूँ तो हो सकता है उसके ऊपर ज्यादा आ जाए, 60 तक तो आ ही सकते हैं फिर। तो यार गेम आप लोगों के सामने है, गेम अच्छी चल रही है, ऐसे नहीं गेम बुरी चल रही है। और घोड़े भी हमारे ड्राइवर थोड़े स्लो हो गए। यार गेम आप लोगों के सामने है, इसको मैं कर लेता हूँ बंद। तो यार अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट गेम की तरफ। मैं पॉल वर्ड को ऑन कर लेता हूँ, देखना चाह रहा हूँ कि पॉल वर्ड 100+ FPS देता है या नहीं देता। तो गेम ऑन हो जाए, मैं आप लोगों को चेक करवाता हूँ। यार गेम हमारी ऑन हो गई है और गेम काफी स्मूथ चल रही है, और स्मूथ से मुराद ये है कि 70 FPS जो है वो आ रहे हैं। आप चेक करो कि गेम जो है वो कितनी स्मूथ चल रही है। मेरे ख्याल में तकरीबन 100 FPS तो आने चाहिए थे, लेकिन ये है कि 100 FPS तो नहीं आ रहे, लेकिन 70+ FPS आ रहे हैं। लेकिन गेम जो है वो स्मूथ फील हो रही है, काफी ज्यादा स्मूथ चल रही है। चल तो वापस वापस बुलाए इसको, वापस कैसे आएगा ये? अच्छा ऐसे आएगा, ठीक। इसको मुक्के माने। तो यार मतलब के जितनी भी गेम्स अभी तक मैंने ट्राई की, मुझे ऐसा नहीं लगा कि यार नहीं इस कार्ड के ऊपर ये गेम अच्छी नहीं चल रही। ये भी गेम काफी ज्यादा अच्छी चल रही है, 70+ FPS आ रहे हैं। इसको मैं कर लेता हूँ बंद। अब चलते हैं भाई हम टेकन 7 की तरफ। मैं गेम को ऑन कर ले तो गेम ऑन हो जाए, फिर आप लोगों को चेक करवाता हूँ। गेम हमारी ऑन हो गई है, पॉल आपके भाई ने ले लिया, और भाई गेम जो है ना वो अल्ट्रा हार्ड पे है। और आज मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, आज हम जीतने के बाद बात करेंगे, क्योंकि भालू ने मैं, अब भालू आ जाए अल्लाह करके उसको सही मारूं मैं। ओए तो ये कोई और ही आ गया। खैर इसको देखते, पता नहीं इस गेम के अंदर अभी FPS कम आ रहे हैं, 30 FPS आ रहे हैं, लेकिन नहीं आने चाहिए मेरे ख्याल में, ज्यादा आना चाहिए। लेकिन एक चीज मैं और नोटिस कर रहा हूँ कि अभी तक कार्ड है जो इसके फैन नहीं चल रहे। मेरा ख्याल है शायद ये इतनी हैवी गेम नहीं है, अभी तक फैन नहीं चले। लेकिन ये है कि 60 FPS आ रहे हैं। वे यार ये अल्ट्रा हार्ड पे ना अपनी बेइज्जती है नीरे, वो देखो ये अल्ट्रा हार्ड के ऊपर ना अपनी शदीद बेइज्जती है यार, वो तेरी दरात हुए। ओए आ ओए यार एक और तू आ, तू ही आई तन में दसना, तू यही आए अल्लाह करके यही आए। तुझे मैं बताता हूँ, ठहर सबर कर तो। क्या क्या है, क्या मसला है, कोई मसला है तुम्हें, मारते हो मुझे? ओ हो टिंडी भी मारा मैंने उसकी, इधर ना आई थी। ओ हो उसने भी मुझे चंगा फेरा। तो यार आपका भाई जो है वो गेम जीत गया अल्ट्रा हार्ड के ऊपर, बड़ी हैवी गेम आती है। इसको मैं कर लेता हूँ बंद। अब चलते हैं भाई अपनी एक और गेम की तरफ जो कि है वॉच डॉग लीजन। मैं वॉच डॉग लीजन को ऑन कर लेता हूँ, गेम ऑन हो जाए फिर आप लोगों को चेक करवाता हूँ। तो यार गेम हमारी ऑन हो गई है और ग्राफिक्स फुल हाई है, और तकरीबन जो है आप समझ लो कि 50+ FPS आ रहे हैं। यार वैसे इस कार्ड को मैं यूज कर सकता हूँ गेम के लिए अपने लिए, चलो इस पे यह है कि एडिटिंग भी हो जाएगी और गेमिंग भी मेरी अच्छी हो जाएगी, तो सोचा जा सकता है इस कार्ड के लिए। क्या कहते हो आप लोग मुझे बताना। ओके तो और उसके अलावा अगर हम लोग बात करें, अच्छा कल वैसे मैं ये गेम खेल रहा हूँ, अच्छी है। ये है कि थोड़ी सी ना पुरानी टाइप गेम लगती है, लेकिन ओवरऑल गेम का जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा बेहतर मुझे देखने के लिए मिला है। ओके जी, अब इधर थोड़ा लंबा काम होता है, हमने इधर आना है, पहले इधर से इसको ये करना है,
इसको मारना है। अरे मेरी टांगों में मारते नहीं हो ये। ओके तो गेम आप लोग के सामने है, गेम अच्छी चल रही है, इसको मैं कर लेता हूँ बंद। तो यार अब मैंने सारी गेम्स आप लोग को हैवी वाली जो मेरे पास थी चेक करवा दी। काफी ज्यादा भाई कहते हैं कि एसन भाई आप गेम्स जो है ना वो और भी चेक करवाया कर। तो मैं कह चुका हूँ हजार दफा कि अगर आप लोग पास गेम्स है और आप मेरे किंग पे करीब हो तो मेरे पास आ जाओ, मैं आपसे जो है हार्ड में गेम्स ले लूंगा, या हार्ड में ले या पीसी पूरा ले आओ, मैं कॉपी कर लूंगा। तो गेम्स मैं ज्यादा चेक करके आप लोग बता दूंगा, मेरे लिए यहाँ पर आसानी हो जाएगी। जैसे गैस सिमुलेशन वगैरह जो है, कार स्टेशन, अब यही नाम है मुझे सही नहीं पता, ये ना आप लोग मजाक उड़ाओ। तो ये वाली गेम जो है मैं ये भी ले लूंगा ताकि आप लोग को ये साथ साथ चेक करवा सकता हूँ। ओवरऑल आपको इस कार्ड की परफॉर्मेंस कैसी लगी? और i7-6 के साथ 1066 GB वाला मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, काफी अच्छी इसकी परफॉर्मेंस है। कार्ड की प्राइस की बात करूं तो यार ये आपको मिल जाएगा 39,000 रुपीज का, और परफॉर्मेंस आप लोगों ने देख लिया। तो अगर i7-6 के साथ ये वाला मैं यूज करूं तो मेरे ख्याल में मेरे गेमिंग चैनल के लिए एक अच्छा कार्ड ये हो सकता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप पाकिस्तान में किसी भी जगह कोई चीज ऑर्डर करके मंगवाना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज का लिंक दे दूंगा। इंस्टाग्राम के इनबॉक्स के अंदर आके आप ऑर्डर को बुक करवा सकते हो। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।